थैंक यू थैंक यू। एक्चुअली क्या है कि ये हमारा हैप्पी आवर्स म्यूजिक के पहला सॉन्ग है, तो बस आप लोगों का साथ चाहिए कि गाना कुछ चल जाए, हिट हो जाए और सुनो आप तो आपको मजा आएगा। अभी आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे सॉन्ग है बारिश का मौसम है, किस टाइप का सॉन्ग है? दुख भरा है थोड़ा और अच्छा है, मतलब आपको मजा आएगा देख कर। एक्चुअली में क्या है कि जब मैंने सॉन्ग रिकॉर्ड किया, विपिन जी ने, ये हमारे म्यूजिक डायरेक्टर ना, और रीता जी ने ये गाना गाया है ना, तो उसके बाद मेरे को था कि अच्छी अच्छी कास्टिंग ढूंढी जाए, तो मैं इनसे मिला। मैं जानता पहले से हूँ लेकिन मतलब मैंने इनको कास्ट किया इस सॉन्ग, और लड़का हमारा आदिल है, वो लोग चंडीगढ़ से हैं, डायरेक्टर भी चंडीगढ़ से है, तो वो आ जा नहीं पाए। एक्चुअली ही इज़ अ वेरी गुड प्रोड्यूसर फॉर मी, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये सॉन्ग करके। एंड फर्स्टली मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि वो जो सॉन्ग था जो मैंने अभी शूट किया, वो मेरी लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेट, कहीं ना कहीं मेरी लाइफ से रिलेट करता है। एंड इट्स अ वेरी लवली सॉन्ग, और इनकी जो सिंगर है वो रिचा शर्मा जी, बट बहुत अच्छा अच्छा उन लोगों ने मतलब गाया है वो सॉन्ग, बट मुझे बहुत अच्छा लगा वो गाना करके, शूट करके। एक्चुअली रिचा शर्मा जी के बारे में सभी जानते हैं कि वो कितनी अच्छी सिंगर है इस बॉलीवुड के लिए, तो मुझे मतलब मुझे प्राउड फील हुआ कि उनके लिए मैंने सॉन्ग किया, मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ। उनके गाने, एक सॉन्ग था किस्मत फिल्म का, प्रियंका चोपड़ा एंड आई थिंक बॉबी देओल, राइट? हाँ, बॉबी जी का, तो वो एक जो सॉन्ग था उसी से मैं इंस्पायर्ड हुई थी रिचा शर्मा जी से, तो वो इट्स अ लवली सॉन्ग। ऑफ कोर्स वो गाना था, वो चंडीगढ़ में शूट हुआ, चंडीगढ़ में हमने ये शूट किया। मैं तो जहाँ अभिषेक है वहीं पे हूँ, कामना मुझे जानती है, मैं कामना से मिला था, मैंने इस गाने को डायरेक्ट नहीं किया, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं साथ में रहता ही हूँ, इनका बड़प्पा ने नाम डाल देते क्रिएटिव डायरेक्टर में, बट ये सब कुछ करता रहता यही है, इन्होंने इनको ढूंढा, बट हाँ मैं इनसे मिला था, हमने किया था, एंड मतलब क्रिएटिवली पाजी हमारे साथ हैं, जैसे जैसे हुआ सब मिलकर हुआ। उन्होंने अपनी आवाज की है, और गाना शूट बहुत अच्छा हुआ, वहाँ का बहुत बड़ा डायरेक्टर है सुख जी, जिसके काफे गाने नहीं है, काले बिल्लो बगे बिल्ले, सारे गाने उसके सुपरहिट है, हमारे लिए गाना बहुत अच्छा निकले। कामना उसने गाने में बहुत खूबसूरत दिख रही है भी, और क्या लगी है, एंड फिनिश क्लोज। अभिषेक जी आपको पहले भी गाने आ चुके हैं, पंजाबी हिंदी कर रहे हैं, हाँ हाँ कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली क्या है, लास्ट ईयर मैंने एक सॉन्ग किया था काफिल, जिसमें अंजलि अरोड़ा थी, और फिर उसके बाद मैंने एक पंजाबी फिल्म की, तो मुझे लगा कि यार चलो अपना भी चैनल ओपन करते हैं, और मैंने ओपन किया, और पहला गाना हमारा रिचा जी ने गाया और विपिन भाई ने उसका म्यूजिक किया। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि मेरा जो पहला गाना था एज ए डायरेक्टर लाइफ का, वो इन्होंने कंपोज किया था, मेरा तुम कहो तो जिस चीज से आया था, तुम कहो तो आज हम फिर से एक साथ खड़े हुए हैं। यस, पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं, और एक रिक्वायरमेंट आई थी कि एक सैड गाना करना है रिचा जी के साथ, तो बस एक अच्छा गाना बनाएं, आप लोग सुनिए, आप लोग को मजा आएगा, और काफ़ी शेयर कीजिए, और हमारे जो है कामना मैम, काफ़ी उसने अच्छा गाने का बोल है, जैसे कि मैं एक लाइन आपको गा के सुना देता हूँ। सहलिया गम दुनिया जहां दा, सहलिया गम हमने, पर कैसे सहूं तू
ही बता कैसे सहूं यार वे तेरा धोखा विपिन भाई का म्यूजिक और रिचा मैम की वॉइस और इनकी एक्टिंग अभी आपको दिखाएंगे। बस ये अभी हमारे मैं रिचा मैम के बारे में बोलना चाहूंगा, वो आम पाए लेकिन उनकी विशेष इस गाने के साथ में है, उन्होंने स्पेशली विश किया। सेकंडली वो इस गाने से बहुत प्यार करती हैं और उन्होंने बड़े दिल से गाना गाया, जब उन्होंने सुना था गाना ये बता पाएंगे शी वाज रियली वेरी एक्साइटेड। आज वो नहीं है बट वो हमारे आस पास ही, हमें ऐसा लगता है वो गाना देख रही है। रिचा की सिटी में नहीं है, वो नहीं आ पाई है, लेकिन वो काफी ज्यादा अपना प्यार देती है कि गाना बहुत अच्छा है और काफी अच्छा करेगा। सर ये है हमारे चैनल हैप्पी आवर्स म्यूजिक पर और आप लोग देखिए, शेयर कीजिए, आपको गाना जरूर पसंद आएगा और इनकी एक्टिंग पसंद गारंटी है। बस सर हमारा कोशिश है कि हर 15 दिन में या एक महीने में हम लोग अच्छे अच्छे उस पर सॉन्ग डालें। हम लोग और सॉन्ग्स कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, पर करेंगे। जब डेब्यू इतना अच्छा किया रिचा शर्मा 100% कामना के साथ में। अच्छा एक और चीज, मुझे पहले ये लगा कि ये कोइंसिडेंस है कि रिचा शर्मा अभिषेक शर्मा और कामना शर्मा, पूछा टीवी से बोलने वाले ने कहते भैया ये क्या फैमिली है, मेरा कोई इसको जानता नहीं है, बहुत प्रोफेशनल जुड़े हुए हैं। तो ऑल शर्मा इज हियर एंड ऐसे हम ब्लेस होते रहे, विचार कर रहे हैं विदेश में ये कामना फिर से दिखने को मिलेगा 100% बाजी डायरेक्ट करेंगे और हम इसको 100% एज ए हीरोइन। इन्होंने बहुत अच्छी फिल्म की है, 4.5 चल रही है, जिसमें रुबीना डलिया जो बिग बॉस की वो मेरी पंजाबी फिल्म थी, इन्होंने लॉन्च की है वो पंजाब में एंड वहाँ का लड़का इंदर चहल वो लॉन्च हुआ है और इसके इमीडिएटली बाद अब इनका अगला प्रोजेक्ट ये आ रहा है। हिंदी किस लेवल का ये प्रोजेक्ट होगा, ये क्या क्या करते हैं, सुपर सुपर सुपर। एक्चुअली मैं बोलना चाहती हूँ कि प्यार एक धोखा है तो एंड नो कमेंट्स। एक्चुअली तेरा धोखा रिलेटेबल में भी नहीं, कभी नहीं। वो समझ चुकी है बिकॉज़ आपने खुद कहा कि मेरी जिंदगी से काफी इंस्पायर्ड है। एक्चुअली वो रिलेट है कहीं ना कहीं, तो मैं बोलना चाहूंगी अभी इस टाइम मतलब नो कमेंट्स फॉर मी। मेरे साथ बहुत धोखे हुए, धोखे भी धोखे हुए। मतलब मैंने धोखे नहीं दिए पर धोखे हुए हैं, मुझे तो प्यार ही नहीं हुआ। अरे मुझे प्यार ही नहीं हुआ। अभी भी एक दो फिल्म और कुछ म्यूजिक वीडियो लाइंड अप है और जल्दी ही हम लोग वो लेकर आएंगे। हम सब इंतजार करते हैं आपका गाने। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू अभिषेक शर्मा जी को कि गाना वाकई बहुत अच्छा बना है। और गुड इवनिंग टू ऑल एंड मैं विश करती हूँ कि गाना यूट्यूब में जबरदस्त बने और सब देखें और आशीर्वाद दें कि गाना बहुत आगे तक जाए और बहुत ही फेमस हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम का गाना हिट जाना चाहिए आप बोल लोग की वजह से, ठीक है। और लाइक करें, सब्सक्राइब किए, फॉलो करिए, बनाइए और शेयर करिए। हमारा यही कहना है, ट्रेंडिंग में लाइए, आप लोग की कृपया रहेगी। सबको धोखा मिलता है और ऐसा धोखा कभी नहीं मिलता है, सबको धोखा मिलता है, धोखा मिलता है, बोलता है, बोलता है। ये गाने गाने मिला उसके मानों में और ये गाने में धोखा मिला है, हां इसलिए इसका नाम धोखा चाहिए और धोखा मिलना भी चाहिए। हां जिंदगी का वाइब चाहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस, थैंक यू।